हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी का स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं नया साल का, अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपना फ़ोटो लगा के, यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। इस तरह का आप अपना फ़ोटो लगा के इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं, वो भी पूरा फुल HD में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगा। तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज साइज लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो 1280 लिखा है, इसको हमें यहाँ पे एडिट करके, यहाँ पे कट करके यहाँ पे 915 इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड करेंगे। उस बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसमें जो भी PNG रहेगा सब आपको मिल जाएगा। आप इसका जो PLV फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसी फाइल में आपको इसका जो भी बैकग्राउंड और PNG है सब आपको उसी में मिल जाएगा। और इसका जो पासवर्ड रहेगा आपको इसी वीडियो में कहीं एक जगह दिख जाएगा, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देख लीजिए, आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। और पासवर्ड डाल के आप इसको अनजिप कर लेंगे तो PLV फाइल भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से PNG और बैकग्राउंड जो भी मैं यहाँ पर यूज करूँगा वो सब आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर पहले बैकग्राउंड, यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीच वाले पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर टच कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो लाइन है इसको पूरा फुल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो ले लेना है, जो भी फ़ोटो यहाँ पर लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले एक हम यहाँ पर लड़की का, कोई भी एक लड़की का यहाँ पर फ़ोटो लगा लेता हूँ। तो देखिए ये वाला लड़की है, तो इसका हम फोटो हम यहाँ पर इस तरह ले कर यहाँ पर इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। और उसके बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा लेना है। तो मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। इस फ़ोटो को हम यहाँ पे इस तरह से ले लिए, उसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इस फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा इस तरह से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। और आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इस फोटो को इस तरह से आपको यहां पे एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से थोड़ा छोटा करके हम यहां पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद यहां पे दूसरा PNG हम ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर ये वाला PNG ऐड कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने में इसका जो साइज रहेगा इसको भी हम यहाँ पर पूरा फुल यहाँ पे इस तरह से पूरा फुल इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फुल यहाँ पे इस तरह से कर दिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ब्लर PNG ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से मैं यहाँ पे ब्लर PNG यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला ब्लर PNG है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से इसको खींच के इस तरह से फुल करके यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से क्लिक करके इसको पूरा फुल इस तरह से करके यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको टू बैक पे क्लिक कर देंगे। टू बैक पे क्लिक करने फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे यहाँ पे इन सब के यहाँ पे ऊपर कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। नाम लिख लेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर कैंसिल करके आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार बॉय, इस तरह से लिख लेता हूँ पहले और उसको ओके करके यहाँ पे हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका जो साइज़ है यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ। इसमें हम यहाँ पे कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फंड वाला ऑप्शन में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला फंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा हम इस तरह से मोटा कर लेंगे और इसको हम इसकी मदद से यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से करके इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर ले। उसके बाद हम यहाँ पे येलो कलर इसमें सेट कर देंगे, हम यहाँ पे येलो कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं
और उसके बाद से मैं आपको ब्लैक कलर का शेडो दे देते हैं, इस तरह से ब्लैक कलर का शेडो दे देंगे। और यहाँ पे इसको इनेबल कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे थोड़ा कम कर लेते हैं, और यहाँ से एक दो पॉइंट तक नीचे इस तरह से कर लेंगे, एक पॉइंट तक इस तरह से कर लेंगे उसको हम यहाँ पे इस तरह से साइड में यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा वो नाम लिख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोलू राज, मैं इस तरह से लिख लिया और ओके कर लिया। और इसका जो साइज है यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से नाम को आपको हम यहाँ पे बड़ा करके आपको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे कलर है येलो कलर, इसको हम व्हाइट कलर यहाँ पे कर देंगे, इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा और वेरी हाई लिखा है, तो आपको अल्ट्रा में क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको रेमनी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उस ऐप में आपको जाके इसको HD में कर लेना है। और उस ऐप में आपको HD में करना नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा किस तरह से पोस्टर को HD में करते हैं। उस वीडियो में मैं पूरा बताया हूँ किस तरह से आपको कोई भी पोस्टर को HD में कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।